बन जाए। कोमल दादी, तू अपने मुरली वाले भगवान से ये काहे नहीं पूछती कि वो हमारे साथ ऐसा काहे किया, काहे हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी दादी, हमारा बच्चा, कितना सपना देखे थे हम अपने बच्चे के लिए, कहाँ-कहाँ नहीं सोचे थे दादी, सब माटी में मिल गया, हमारा सपना टूट गया दादी, हम ऐसा कौन सा पाप किए जिसके लिए भगवान हमारे साथ इतना बड़ा घात किए, काहे दिया हमका इतना बड़ा दुख, हम कौन से पाप की सजा भुगत रहे दादी। कोमल बेटा, जिंदगी में कभी कभी ऐसे पल भी आते हैं जब हमें बहुत दुख झेलना पड़ता है, लेकिन यही पल हमारी परीक्षा भी लेते हैं, ऐसे समय में हमें बहादुरी के साथ इन हालात का सामना करना चाहिए। संभालो अपने आप को, हिम्मत से काम लो बेटा, भगवान पर भरोसा रखो, भगवान के दरबार में कभी नाइंसाफी नहीं होती, वो एक न एक दिन तुम्हारे दुख की भरपाई करेंगे, तुम ना अपने आप को अकेली मत समझो, हम हैं, पूरा परिवार तुम्हारे साथ है, अपने मन को शांत कर। कैसे शांत रखे दादी, हमारे अंदर जौन था ना, वो अब्बा भी आपको आवाज लगा के कहता है कि अम्मा हमको बचाए लो, हमारा बच्चा दादी, बच्चा। ए, ए, डॉक्टर साहब सुनो यार, छो अच्छा इसे ना काम न चली, कहाँ छुछा रहे यार, टो टो इसे हम ठीक नहीं होने वाले, तुम काम करो, एक चार छह दस छह इंजेक्शन हमका ठोक दो, हमका खड़ा कर दो, काहे कि यार हमको ना हमको जाना, हमारा ट्रेन है, हमारी गाड़ी छूट जाए यार, जल्दी करो, जल्दी कर दो, निकलना है का। ठाकुर साहब, ऐसी हालत में ऐसा क्या जरूरी है बाहर जाना, तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं क्या? का भवा सज्जन, डॉक्टर साहब के सवाल के जवाब काहे नहीं दे रहे हो, बोल दे बेटा, अरे बताए दे कहाँ जा रहा है। भट्टा के कोलिए जा रहे हैं, तुम्हों को मौका लग गया, घंटी लाल बोले के दिमाग ना खराब करो, समझो कि नहीं मौका लगा नहीं, मौज मौज लेवा लगू भौजी, तो मतलब यार फिर तो जो जौन सारा रुपया दिया टिकट के लिए वो सब तो गवा, मतलब कब भौजी ज्यादा चिल्लाओ ना, तुम समझो ये जौन दर्द है ना ये बढ़ जाएगा, शांति से ऐसे लेटे रहो। ए बाबा, ए तुमको बता दिया, तुम ज्यादा न बोलो, समझो कि नहीं मजा न ले तुम। अब डॉक्टर देखिए, ठाकुर साहब अभी आप खड़े होंगे तो और गड़बड़ हो जाएगी, इसीलिए इस समय आप कहीं नहीं जा सकते, आपके कमर में चोट आई है, आप आराम कीजिए और बाहर जाने का ख्याल मन से निकाल दीजिए, ये कुछ दवाइयां लिख दी हैं मैंने, इन्हें टाइम पे लेते रहिएगा, आराम की बहुत ज्यादा जरूरत है, कमर की चोट है, ध्यान देना होगा, और ये कुछ मैंने जांच लिख दी है, इन्हें करवा लीजिए, चलता हूं ठाकुर साहब, आप तीर्थ यात्रा में बाद में चले जाइए, अभी तो फिलहाल आप आराम कीजिए। आ जाओ डॉक्टर साहब, आ जाओ, ले सकते दर्द का जाना, नई जगह दिखाएंगे, हमका घुमाएंगे फिराएंगे,
हनीमून मनाएंगे। तब मेहनत से हमने सारा कपड़ा, ना जेवर, सब कुछ तय करके लगाए थे। नया कपड़ा पहन के नई जगह देखेंगे, घूमेंगे फिरेंगे। सारी मेहनत हमारी बर्बाद, सब सब फालतू की बकबक है और कुछ नहीं। तुम आओ ना यार, अरे गंगा चलेंगे ना हल्दी मुंह पे चलेंगे, लेके तुमका चलेंगे तहीं के तहीं के हम का बस ठीक ठीक हो जाए तो बस। हमका नहीं जाना कहीं घूमे फिरे के लिए। गंगा ए गंगा ए सुनो यार, ये ए जोन होता है ससुरा अच्छे के लिए होता है। अब एक बात बता, तुमका ये जोन बाऊजी की हालत है ना, हमका कोनो अफसोस नहीं, कुछ अफसोस नहीं हमका यार। अच्छा भवा जोन भवा, हाँ बिल्कुल ऐसे ही, ये बाऊजी को ही सजा मिलनी चाहिए थी। का तुमका कहते हो बताओ? अब ऐसे एक बात बता, हमारी मेरी अम्मा चाहे जितनी मर्जी खराब है, बाकी बाऊजी से बहुत प्रेम करती, बहुत। और तो का, अरे भाऊजी क्या कहे, हमका कभी कुछ ने समझी यार। और भगवान जो है ना वो सब देखता है, और सबको है ना उसकी गलती की सजा ना एकदम एकदम कायदे से देता है। और तो का, और एक बात बता दें, भाऊजी की परेशानी हम बताते ना, हम का परेशानी है, कुछ परेशानी नहीं है, बस हमसे जलन हो गई। अब हम गए थे ना हनीमून पे, वो खुद ही प्रोग्राम बना लिया हनीमून का, बताओ कोनो बात हुई का? नहीं है कोनो बात, चला हमका घूमना फिरना चाहिए, वहां बड़ौती में से जोर बांधे पड़े हैं, कमाल करते हैं यार। हम हमका देखो, एक के बार बस एक के बार हनीमून मनाए के चुपचाप शांति से बैठ गए। अरे हम बना सकते, हम तो जवान है। बाबू बाबू सुनो, अरे हमका एक बहुत जोरदार आइडिया है अभी यार, तू सुनो सुनो सही। ये हनीमून, अरे हनीमून ससुरा हर छह माह में होना चाहिए यार, मतलब छह माह में नहीं तो चलो साल भर में एक बार, तो जैसे पर्व त्योहार आता है वैसा होना चाहिए, घूमने फिरने चाहिए यार, कहाँ कहाँ बुरी बात है। और देखो वैसे भी ना हमका तो घूमने फिरने वाली बात में बहुत मजा आता है। क्या तुम क्या कहते हो, कहो तो अभी टिकट व्यवस्था करवाए थे? नहीं कृष्णा, अभी समय सही नहीं है घूमने जाना। अरे तो कौन सा समय खराब है यार, सब सब तो सही है। अच्छा ये सब बातें छोड़ो, हमें एक बात बता, वो जो तुम अपना काम शुरू करने वाले थे उसका क्या हुआ? काम? अरे हाँ बाबू बिल्कुल सही बात पकड़ी तुम यार, ये काम की तुमसे बात करनी, रुको तुम हम बताते। देखो ऐसा है, हम बता देते तुमका यार, देखो वो हमारी बात जो है ना बिल्कुल ध्यान से सुनो। ऐसा है, अपना नया धंधा शुरू करने जा रहे हैं रेस्टोरेंट वाला है, तो रेस्टोरेंट खोले से पहले हम सोचे कोनो बड़े शहर जाके देख लेते हैं का ये सब रेस्टोरेंट होटल खाना पीना ये सब देख लेते ना, एक बार समाज समझ गए सब जानकारी ले लिए, फिर यहाँ आए के इलाहाबाद में एकदम एकदम लल्लन टॉप रेस्टोरेंट खोल देंगे। हाँ ये बात तो सही कह रहे हो कि बड़े रेस्टोरेंट्स और बड़े होटल बड़े शहर के साथ साथ हिल स्टेशन में भी होते हैं। हाँ वो बिल्कुल सही, और हम सोचे हैं मुंबई 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 जाए के, मतलब मुंबई यार इतने बड़े बड़े रेस्टोरेंट और सुने शहर भी एकदम चौचक है। हाँ सही बताए, और हम तो सुने हैं कि वहाँ पे जो है ये फिल्मी हीरो हीरोइन ना ऐसे घूमते थे जैसे यहाँ इलाहाबाद पे माघ नहाने जाते हैं। हाँ तो मतलब फिक्स फिक्स मुंबई फिक्स। अरे लेकिन कृष्णा हमें तो बस आइडिया चाहिए ना, उसके लिए इतनी दूर जाने की क्या जरूरत है? अरे यार बाबू देखो ऐसे मुंबई जाए की बात अहले कह रहे हैं हम, काहे कि मुंबई यार बड़े बड़े रेस्टोरेंट है बहुत बड़े बड़े हैं, तो वहाँ देख के यार मतलब हमका कोनो बढ़िया सा आइडिया मिल जाएगा, और ये सबसे का हमारा काम एकदम तूफान जैसा स्पीड पकड़ लेगा। और तो कृष्णा वहाँ जाना थोड़ा सा, अरे यार देखो यार तुम मुंबई जैसे डरो ना यार, देखो ऐसा हम तुमका भरोसा दिलाते हैं वहाँ जाए के कोनो फिल्म पिक्चर में काम नहीं करे वाले। हाँ और देखो हम भी मतलब अच्छे इंसान हैं, हम सोचते हैं वहाँ मतलब ऐसे कोनो हीरो का काम थोड़ी छीन लेंगे, ऐसे कोनो की रोजी रोटी नहीं छीन सकता, हमका अच्छा नहीं लगता है सब, तो हम तो बस अपना काम करेंगे और वापस आ ही जाएंगे। काम मतलब सही कह रहे हो ना? बिल्कुल सही कह रहे हो। तो फिर यार तुम काहे हल्के में लेती हो हमका, हम तो बता ही देते पहले तुमका सब साफ साफ। नहीं नहीं आपको थोड़ी ना हल्के में ले सकते हैं, ये आप तो बड़ी भारी चीज है। अब जब तुम कह रहे हो कि तुम्हें मुंबई जाना है वहाँ के बड़े रेस्टोरेंट्स देखने हैं, तो हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। हाँ ना डर है वहाँ जाकर कहीं कोई हीरोइन तुम पर फिदा हो गई तो? का सच्ची? नहीं 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 देखो देखो बाबू ऐसा है, एक बात बताए तुमका, तुम्हारे अलावा ना कोई और को भी चुंबक पकड़ बहने करेगा, साफ बात है चाहे जितनी कोशिश कर ले। हम जानते हैं। प्रतिज्ञा बन जा